आप जानते हो ये महाराज जी हैं, आपके लिए महाराज जी हैं। मैं कह सकती हूँ सबने सच होते हैं। अरे माइक ना फाड़ देना, ये बच्चे बेचारे गरीब आदमी का साउंड सिस्टम है। आप मेरे को माइक ना दें। हाँ तो अभी रुक जाओ, माइक के मैं नहीं चिल्लाना, अभी रुक जाओ। हाँ सबके सामने बोल सकते हैं राधे राधे गुरु जी। जी जी कोटि कोटि प्रणाम राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, बहुत खुश है आपके दरबार में आके। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। आप तो बुलाने गए थे हमें हमारे घर पर। हम तो सबको ही बोलते हैं आओ वृंदावन। आप बुलाने गए थे हमें गुरुजी मंगलवार को, जैसे आपने बताया था कथा में कि सपने सच होते हैं। मैं बाकी में मानती हूँ कि सपने सच होते हैं। मैं कह सकती हूँ सपने सच होते हैं। अरे माइक ना फाड़ देना, ये बच्चे बेचारे गरीब आदमी का साउंड सिस्टम है। आप मेरे को माइक ना दें। हाँ तो अभी रुक जाओ, माइक के मैं नहीं चिल्लाना, अभी रुक जाओ। इस तरफ ले आओ माइक। अभी एक मिनट मुझे पर लेकिन आपसे समय चाहिए। थोड़ा आराम से बोलो, फाड़े काहे डाल रही हो माइक। ओके ओके तो गैर माइक पे मैं बात कर सकती हूं। आप बोलो ऐसी थोड़ा दूर करके बोलो। बोलो क्या बोलना है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मतलब मेरे को 7 तारीख से ऐसा हुआ है कि ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। हाँ। और सिर्फ मुझे सब चीज में कान्हा जी दिखाई दे रहे हैं। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो और मैं आपको 2 साल से आपके वचनों पे चल रही हूँ, लेकिन मैं गुरुदान लेने की सोचती हूँ, वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो ले लेना जब आपका मन हो तब ले लेना। नहीं मुझे कल चाहिए गुरु जी। हाँ तो कल मिल जाएगा, सुबह 8 बजे आ जाना। सुबह 8 बजे। हाँ यही कहना चाह रही थी मैं। और गुरुजी जैसे परमात्मा से हमारा मिलन होता है। हाँ। तो हम आपसे यहाँ सबके सामने बोल सकते हैं। भगवान से तो मिलन होते ही है भक्त का, आज नहीं। हाँ। तो कल होना ही है। और जैसे आपने बोला था कि सपने सच होते हैं, मेरे तो साक्षात सपने सच होते हैं। जैसे देखती हूँ तुरंत सच होते हैं मेरे। बिल्कुल होते हैं सपने तो सच। ऐसे ऐसे को। और अभी माताएं बोल रही थी मेरी कुछ कि मोह नहीं छूट रहा है, मेरा सारा मोह छुटा दिया है। अच्छा है। हाँ मेरा। और मेरे को लोग पागल कहते हैं। हाँ मैं पागल हूँ, सिर्फ कान्हा जी के लिए पागल हूँ। सही है, भगवान के लिए पागल होना भी चाहिए। कान्हा जी के लिए पागल हूँ, लोग वाक कहते हैं मेरे से पागल है। मैं कान्हा जी के लिए पागल हूँ। और आप जानते हो ये महाराज जी हैं, आपके लिए महाराज जी हैं, मेरे लिए साक्षात कान्हा जी हैं। ये साक्षात कान्हा जी हैं, ये मेरे लिए साक्षात कान्हा जी हैं। गुरु जी मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूं। सुखी रहिए, अभी कर लीजिएगा, अभी बैठो आराम से। और गुरु जी थोड़ा सा मुझे और बात करनी थी अभी, और बाकी सबको भी करने दो, फिर आप अंदर बात कर लेना जहाँ सबसे मिलते हैं। मेरे घर वाले ये कहते हैं तू वृंदावन मन जा, लुट आएगी, अपना काम पे ध्यान दे, बिजनेस पे ध्यान दे, खराब हो जाएगा। मैं उनसे कहती हूँ उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है, कुछ खराब नहीं होगा। मेरी लड़कियाँ रोती हैं, जो मेरे यहाँ जो माता है, वो मेरी बहन है जो काम कर रही हैं, वो मेरे लिए रोती हैं। क्या काम करती हैं आपके यहाँ? मेरा ब्यूटिशियन का काम है। काय का? ब्यूटिशियन। मेरी औकात नहीं है तो मैं छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लूं। अच्छा, भगवान करे आप और सुखी रहें। लेकिन भगवान ही सब करते हैं, बहुत अच्छी बात। अभी मुझे ये मिला, मैंने कही भैया मुझे ये कान्हा जी की तस्वीर चाहिए। उन भैया ने बोला के ये आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा मेरे को क्यों नहीं मिलेगी, के ये 11,000 रुपए देते हैं उनको मिलेगी। फिर मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपना मोबाइल, मैं कुछ नहीं रखती, कान्हा जी रखने नहीं देते हैं और दरबार में बुलाते रहते। कल भी मैं वृंदावन होके गई, आपका धाम मैंने देखा नहीं है, पर कान्हा जी ने यहाँ भेजा है मुझे। मुझे नहीं पता, 4 पहिये की गाड़ी भेजते हैं। चलो अच्छा, सबको मौका दो अब थोड़ा थोड़ा बात करने का। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए। मुझे नाम दाम चाहिए आपसे, बना तो लिए हो आप। कल सुबह 8 बजे आ जाइएगा। 8 बजे धन्य हो गई प्रभु आपके। खुश रहिए, इस तरफ देना।